सो नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल डी के ऑनलाइन टेक पर एक बार फिर से। तो आज की भी इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी कुछ अहम बातों पर। तो यहाँ पे आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, क्योंकि ये छोटी छोटी जानकारी है दोस्तों, आपको यहाँ पे बड़ी सफलताएं प्राप्त कराती हैं। जैसे कि दोस्तों क्या होता है कि अगर हम कोई फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें कौन कौन से दस्तावेजों की सही जानकारी जो होनी चाहिए, आपको कौन कौन से अपलोड करनी होती है, फ़ोटो को आपको कैसे अपलोड करना है, और यहाँ पे फ़ोटो का साइज़, डॉक्यूमेंट का साइज़ आपको छोटा बड़ा करना, ताकि फ़ोटो का साइज़ कम करने के बाद जो है यहाँ पे फ़ोटो की क्वालिटी में कोई कमी ना आए, या फिर हमारे डॉक्यूमेंट की क्वालिटी में कोई कमी ना आए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे यूपी आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया से ही जुड़ी, क्योंकि बाकी जिलों में भर्ती प्रक्रिया बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है। क्योंकि दोस्तों ये आखिरी चुनाव जो होने वाला है 29 तारीख को, तो 29 तारीख को आखिरी चुनाव होने के बाद यहाँ पर प्रशासन फ्री होने के बाद यहाँ पे यूपी आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया जो है फिर से जारी किया जाएगा बाकी जिलों में जहाँ पर भी इसे होना है। तो यहाँ पर जो है पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से आज हम देने वाले हैं। बने रहे मेरे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर करना ना भूले, साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट के सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ताकि हर एक छोटी बड़ी योजना से जुड़ी वीडियो को सबसे पहले हम वीडियो के माध्यम से पहुँचाते रहें। तो चलिए पूरी चर्चा करते हैं आज के इस वीडियो में यूपी आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया से लगे कुछ दस्तावेजों की। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ कि भर्ती प्रक्रिया जो ऑनलाइन यहाँ पर होगी, बाकी जिलों के जिनकी अभी यहाँ पे रोकी गई है कुछ तो कोरोना की वजह से कुछ, तो दोस्तों यहाँ पे जो है यूपी पंचायत चुनाव को लेकर के यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है। तो जैसे ही यहाँ पर हमारा चुनाव कंप्लीटेड होता है, सारी प्रक्रिया यहाँ पे समाप्त हो जाती है चुनाव की, तो यहाँ पे जो है अगला स्टेप यूपी आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया पर ही जोड़ दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जिन 8 जिलों में वैकेंसी निकली थी और सभी लोगों ने उन 8 जिलों के कैंडिडेट ने आवेदन किया है, उनका रिजल्ट भी यहाँ पे निकलेगा, साथ ही और आगे कितने जिलों में भर्ती यहाँ पे निकलती है उसका भी पूरा ब्यौरा अब मई में ही स्टार्ट होने वाला है। तो अभी हमें कुछ दिनों का और वेट कर लेना है, यानी कि 10-15 दिन का अगर हम यहाँ पे और वेट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग जिन भी जिलों से भी भर्ती निकलती है, ताकि ये ना रहे दोस्तों कि आप लोग दस्तावेजों की कमी के कारण यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने में लेट हो जाए, इसलिए आप के जो दस्तावेज हैं उसे तैयार करके अभी से ही रख लेने होंगे, ताकि सिर्फ जैसे ही वैकेंसी निकले आपको तुरंत अप्लाई करते चले जाना। क्योंकि जानती हैं जैसे ही किसी भी ज़िले की वैकेंसी जब निकलती है दोस्तों, खासकर यूपी आंगनबाड़ी की जो वैकेंसी भी निकली है, यहाँ पर भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करते हुए कैंडिडेट ने यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई किया था। जैसे कि यहाँ पर अगर ट्रैफिक सोर्स बढ़ जाता है उन ज़िलों में, जैसे जैसे लोगों की जानकारी होती है वैसे वैसे यहाँ पे OTP आने की प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे OTP हमारे मोबाइल नंबर पर सेंड ही नहीं होता है, तो ये सारी खासी दिक्कतें जो का सामना आप लोगों को ना करना पड़े, इसलिए सारे डॉक्यूमेंट अभी से ही तैयार करके रखें, ताकि जैसे ही यहाँ पे मैं वीडियो अपलोड करूँ दोस्तों आप सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करें, ताकि आपका यहाँ पर स्टार्टिंग में ही अप्लाई हो जाए, और यहाँ पर ताकि आपका काफ़ी दिन यहाँ पर वेस्ट भी नहीं जाएगा। तो दस्तावेज की अगर हम बात करें दोस्तों, अगर यहाँ पे आप सहायिका के पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 5वीं पास होना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि 5वीं पास का आपके पास सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको अपलोड करना होता है उसके सारे डाटाबेस को कि आपने किस सन में यहाँ पर उत्तीर्ण किया रहा है और यहाँ पे कितने आपके मार्क्स 5वीं में भी आए थे। तो यहाँ पर अगर आप सहायिका के पद के लिए अगर करना चाहती हैं तो यहाँ पर आपको जो है कक्षा 5 की उत्तीर्ण मार्कशीट आपको यहाँ पे जरूर दिखाना होगा। अगर यहीं पे आप मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री या कार्यकर्त्री के पद पर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास 10वीं पास होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 10वीं पास होने के बाद ही दोस्तों यहाँ पे आप इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, जैसे कि अगर आप 5वें से अपलोड करना चाहेंगे तो 5वें का, उसके बाद यहाँ पे 9, 10, 11, 12 और यहाँ पे दोस्तों आप BA तक का जो है आप अपना पूरा ब्यौरा यहाँ पे साइट पर अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका स्नातक तक ही पूरा मार्क ऑप्टेन किया जाएगा, और स्नातक तक के ही मार्क को यहाँ पे ऑप्टेन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो इसलिए आप जो है ये सारे डॉक्यूमेंट अपने पास संलग्न करके रख लें, ताकि ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त जो है आपको कोई खासा दिक्कत का सामना यहाँ पे ना करना पड़े। क्योंकि यहाँ पे हमें जो है 8वीं से लेकर के हमें स्नातक तक का जो है दोस्तों यहाँ पर अपलोड करना होता है वहाँ पर मेरिट लिस्ट में, ताकि हमारा सबसे ज़्यादा नंबर बन सके।
तो ये सारी चीज़ों को आपको कलेक्ट करके रख लेनी। साथ ही यहाँ पे आपको आय प्रमाण पत्र, जो कि ग्रामीण इलाके में 46,000 और शहरी क्षेत्र में अगर आप रहते हैं, नगर में बिलोंग करते हैं, तो 56,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए आप अपना आय प्रमाण पत्र अगर बनवाएं तो 46,000 से ज़्यादा ना हो ग्रामीण इलाके में, और अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो 56,000 से ज़्यादा ना हो। अगर आप आय जात निवास अप्लाई करना नहीं जानते हैं, खुद से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मैंने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखा है। हमारे इसी चैनल लेके ऑनलाइन टेक के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे आय जात निवास कैसे अप्लाई किया जाता है उसका वीडियो हमने जो अपने प्लेलिस्ट में डाल रखा है। तो इसका सारी वीडियो का लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में डाल दूंगा दोस्तों, जहाँ से आप आय जात निवास अप्लाई अपने मोबाइल से घर बैठे कर सकते हैं सिर्फ 15 रुपये के चार्ज में। सिर्फ 15 रुपये चार्ज दे करके आप आय जात निवास अभी से ही आप अप्लाई कर दीजिए दोस्तों, और एक हफ्ते के अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट आपके मोबाइल पर ही आ जाएंगे। तो इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में डाल दिया, वहाँ पर जाकर के फटाफट इसे अप्लाई कर लीजिए। साथ ही दोस्तों यहाँ पर मैंने एक लिंक और डाला है जहाँ पर आपको मैंने बताया कि किसी भी फोटो और सिग्नेचर वगैरह को या डॉक्यूमेंट के साइज को किस तरीके से यहाँ पे हम छोटा करते हैं। जैसे हमारा फोटो अगर 500 KB का है तो उसे हम डायरेक्टली 20 KB में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जिन भी आवेदिका का प्रारूप जो भी डाउनलोड आपको अपलोड करना होगा वो यहाँ पे JPG और PNG फाइल में ही रहेंगे। यहाँ पे आपका फोटोग्राफ जो कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो रहेगा वो 20 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे आपका एक सिग्नेचर जो कि स्पष्ट अक्षरों में सिग्नेचर करें आप अपना, और सिग्नेचर का साइज आपका 10 KB से ज़्यादा ना हो, तो ही आप यहाँ पे अपलोड करते वक्त आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और वो फटाफट से अपलोड हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे KB की साइज को आपको ध्यान में रखना है। फ़ोटो आपका 20 KB और सिग्नेचर 10 KB का आप बना लें अभी से ही। अभी से ही आप अपने मोबाइल में एक फोल्डर बना लें और उसमें जो है फ़ोटो और अपने सारे डॉक्यूमेंट और यहाँ पर सिग्नेचर का पूरा सब क्रॉप करके 10 KB में करके रख लें। आपको साइज कैसे कम करना है इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसे वॉच कर लें आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया दोस्तों आपका आय जात निवास, यहाँ पर ये तीनों चीज़ आप अप्लाई कर लें, ये भी रख लें अपने पास। आय की बात करें दोस्तों तो आप लोग अपना आय अभी से ही अप्लाई कर दीजिए ताकि आपका जो है आय प्रमाण पत्र बन करके चला आए, और यहाँ पे आपके सारे शैक्षिक डॉक्यूमेंट आय जात। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप अपना रख लेने होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको अभी से ही क्लिक करके अपने मोबाइल फ़ोन में सेव करके रख लेनी है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी निकलती है हम आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर सूचित करेंगे, चाहे वो ऑफलाइन निकले या फिर ऑनलाइन निकले, हम आपको वीडियो के ही माध्यम से सूचित करेंगे दोस्तों कि आपको किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको खास बात ध्यान रखना है कि आपको जो अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र को जो है आप अपने मोबाइल से भी कैप्चर करके अपने इमेज रख सकते हैं बढ़िया से क्रॉप करके फिट करके। और यहाँ पे आय जात निवास अगर आप अप्लाई करना नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में उसका लिंक मिल जाएगा, उसे भी आप देख करके अप्लाई कर लीजिए। आप मोबाइल से ही सिर्फ 15 रुपये के चार्ज में ही आपके तहसील के द्वारा प्रमाणित आय जात निवास बन करके आ जाएगा। और यहाँ पर जो है आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और एक सिग्नेचर का फ़ोटो ये जो है करके अपने मोबाइल फ़ोन में आपको सेव कर लेना है। तो ये इतने ही डॉक्यूमेंट की आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। खास बात का ध्यान यहाँ पे देंगे दोस्तों कि आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी लिंक रहे तो काफ़ी सही होगा, क्योंकि भविष्य में उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और यहाँ पर आधार कार्ड में मिलता नाम जो है आपका सही होना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट से आपके यहाँ पर आधार कार्ड में नाम मिलना चाहिए। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि हर मैं डॉक्यूमेंट में हमारे नाम अलग होते हैं, आधार कार्ड में हमारा नाम कुछ और चेंज हो जाता है, तो ऐसे में भी हमारे यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस बने रहते हैं। तो इसलिए आपके डॉक्यूमेंट से ही मिलते जुलते आधार कार्ड में भी नाम अपना सही करवा ले। तो इस तरीके से दोस्तों अभी आपके पास काफ़ी लंबा समय है, क्योंकि जब तक यहाँ पे विज्ञापन नहीं जारी होगा, और विज्ञापन आप हमेशा जो है न्यूज़पेपर रीड करते रहें, क्योंकि न्यूज़पेपर के माध्यम से ही विज्ञापन का पता चल पाएगा। तो इसलिए न्यूज़पेपर रीड करते रहे दोस्तों, और यहाँ पे विज्ञापन निकलते ही दोस्तों आपको विज्ञापन के 21 दिनों के अंदर ही आपको यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। वैसे भी वीडियो के माध्यम से हम आपको ज़रूर सूचित करेंगे दोस्तों, कहीं पर भी कोई भी फॉर्म अगर निकलता है तो यहाँ पे हमें अभी वेट कर लेना होगा, क्योंकि पंचायत चुनाव का ये माहौल ख़त्म होते ही यहाँ पे इस पर फिर से पुनः जोर दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलें, हमें कोई सवाल कमेंट करके पूछ सकते हैं। जी तब तक के लिए दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।